गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये स्कॉर्पियो VLX एमोक इंजन है। इसका जो हम वाटर पम्प निकालेंगे, इसका वाटर पम्प लीकेज हो गया, इसका वाटर पम्प हम निकालेंगे। वाटर पम्प निकालने के लिए फैन खोलना पड़ता है। फैन का जो है उल्टा थ्रेड होता है, आप इसको ड्राइवर के माध्यम से 36 के डायल रिंच से खोल सकते हैं। मैंने फैन खोल के इधर रख लिया, आप देख सकते हैं इसका उल्टा थ्रेड हो रहा है, यानी दाहिने तरफ जो है खुलता है, बायां तरफ टाइट होता है। उसके बाद हमको रेडिएटर भी इसके लिए रेडिएटर नहीं निकालना पड़ता है, लेकिन रेडिएटर निकाल लेना बेहतर होता है, क्योंकि वाटर पम्प छिटक के जो आता है ना, वो रेडिएटर में लग सकता है, क्योंकि इस रेडिएटर में भी गलीज है, इसलिए हमको रेडिएटर भी क्लीन करवाना है। तो हम इसका रेडिएटर भी निकाल लेते हैं। इसका आप हम रेडिएटर निकालेंगे, उसके बाद वाटर पम्प खोला जाता है कैसे, वो आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप इसका वाटर पम्प कैसे ओपन किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा मोबाइल इधर लेकर आइएगा, मतलब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बोल्ट है 12 नंबर का बोल्ट होता है, इस पर 5 गो। हम बोल्ट कैसे ओपन करते हैं, बोल्ट ओपन करने के लिए मेरा ये पाइप दिक्कत देता है, तो इसको हम हटा लेंगे। मोबाइल सीधा पकड़िएगा तो वीडियो अच्छा आएगा। हाँ, ऐसे ऐसे खड़ा। अब देखिए, मेरा जो है ये स्पिनर है 12-13 का रिंग रिंच, इससे हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं, और देखिए मैंने बोल्ट में फंसा लिया, और इसको ज़्यादा टाइट नहीं होता है। ये मेरा फास्ट बॉल जो है इसका ओपन हो गया, आप देख सकते हैं मेरा फास्ट बॉल ये ओपन हो गया। अब मैं दूसरा करता हूँ, तो ये बोल्ट में बहुत दिक्कत करता है, तो मेरा बेहतर होगा ये बोल्ट खोलने के लिए हम इसको इसका एडजस्टर खोल लेंगे। एडजस्टर खोलने के बाद मेरा बोल्ट खोलना आसानी बन जाता है। एडजस्टर में 3 को बोल्ट होता है, ये 3 को बोल्ट हम खोल के हटा लेंगे। अब देख सकते हैं, हम इसका एडजस्टर निकाल लिए। एडजस्टर निकालने के बाद जो है मेरा ये वाला जो बोल्ट है ये खोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं खुलता। देखिए, हम अब इसको ओपन कर लेंगे। अब देख सकते हैं, देखिए मेरा ये दूसरा वाला, इधर से दिखाइएगा बोल्ट को, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं दूसरा वाला बोल्ट भी ओपन कर लिया। तो ये बैंड वाला स्पिनर है, रिंग रिंग से इसी से आप खोल सकते हैं। ये जाता है सीधा, जो ओरिजिनल टाटा का आता है उससे आप नहीं ओपन कर सकते हैं, ये जो है इसी से बैंड वाला से कर सकते हैं। देखिए, दूसरा बोल्ट हो गया। अब मैं इसका तीसरा बोल्ट करूँगा, बाकी का 3 बोल्ट जो है हम 12 का बिट से, लंबा वाला बिट से खोल लेंगे। ये 8 mm का जो है एलकी को हम काट के इसका जुगाड़ बनाए हैं, ये मेरा फर्स्ट जुगाड़। आप भी ऐसा जुगाड़ बना लीजिएगा जो आसानी होगा, उससे हम ये 3 बोल्ट खोल लेंगे, आसानी से मेरा खुल जाएगा। और देख सकते हैं, इधर का बोल्ट बहुत हार्ड था, इधर से सेट हो जाता है। 2 बोल्ट में जो है हमारा बिट सेट नहीं होता, इधर सेट नहीं होता, तो उधर हम रिंग रिंग से ओपन कर लेंगे, और ये 3 बोल्ट जो है हम इससे ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं, मेरा तीसरा बोल्ट ओपन हो गया। ये मेरा नीचे वाला बोल्ट भी ये सेट हो जाएगा, इसको भी हम इससे खोल सकते हैं। ये भी मेरा लूज हो गया, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। हाँ ना, तुम्हें बाद में यूट्यूब करता है, मेरे को टाइम नहीं है हाथ में ना। तुम्हें थोड़ा गाड़ी थोड़ा एक तो गाड़ी थोड़ा पूछ के देना, आज एक दिन पूछ के देता है। अब देख सकते हैं, मेरा वाटर पम्प का पूरा बोल्ट खुल गया, 5 बोल्ट खुल गया, 5 बोल्ट होता है। ये वाला बोल्ट हम रिंग रिंग से खोले, ये 2 बोल्ट, क्योंकि इस पर बिट सेट नहीं होता। आपको हम बिट बैठा के दिखा देते हैं। देखिए, इस पे बिट जो है इस पे बैठता नहीं है, तेज सा चला जाता है, इसलिए ऐसा जुगाड़ अगर अच्छा लगे तो आप भी बना लीजिएगा। ये मस्त जुगाड़ है वाटर पम्प खोलने के लिए। अब इसको हम हथौड़ी के माध्यम से ठोके खोल लेंगे। देख सकते हो, वाटर पम्प को हम हल्का हल्का मारेंगे, ये निकल आएगा। ये मेरा वाटर पम्प देख सकते हैं, निकल आया। ये है स्कॉर्पियो VLX का वाटर पम्प। उम्मीद है कि वाटर पम्प आप खोलना सीख गए होंगे। अब सेम इसी तरह जो है फिटिंग कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।